मीरा महानगर पालिका में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए 8,000 सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड के डोज प्राप्त हुए हैं। कोविशील्ड के डोज देने के लिए हमने तीन सेंटर आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें जम्बो फैसिलिटी, टेम्बो हॉस्पिटल और वाकड हॉस्पिटल है। पहले दिन के लिए हमारे महानगर पालिका और शासकीय जो आरोग्यकर्मी हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। हमारे पास जो नोंदनी हुई है उसमें 6,308 हमारे आरोग्यकर्मी हैं, उसमें महानगर पालिका, शासकीय और प्राइवेट हॉस्पिटल के सभी आरोग्य कर्मचारियों का समावेश है। हमारा जो टीकाकरण है उसमें दो चरण में दिया जाएगा। पहले चरण में टीकाकरण होने के बाद 28 दिन के बाद उनका दूसरा डोज दिया जाएगा। पहले टप्पा जो रहेगा उसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स रहेंगे, दूसरा टप्पा जो रहेगा उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी महानगर पालिका के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी उनको दिया जाएगा, और तीसरा चरण जो रहेगा उसमें अबोव 50 वाले जो सीनियर सिटीजन्स है वो, और बिलो 50 वाले जो है कोमॉर्बिड पर्सन्स उनके लिए टीकाकरण जाएगा। उसके लिए अभी तक शासन के निर्देश अभी उनका टाइम टेबल प्राप्त हुआ नहीं। पहला जो हेल्थ केयर वर्कर्स है हमारा जो है 7 दिन का प्रोग्राम है, और उसी से हमारे जो सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें टीकाकरण हो जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीन सुरक्षित है, इसके लिए उसके सभी ट्रायल्स हुए हैं और DGCI की तरफ से उसको अनुमति मिली है, और महानगर पालिका की तरफ से अभी जो हमारे आरोग्य कर्मचारी वैक्सीनेशन के अपॉइंट किए हैं उनका पूरी तरह से ट्रेनिंग वगैरह हो चुका है और ट्रेन हो गए, और उसके लिए हमारा शासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे कि उनका ड्राई रन ले लो, हमारा ड्राई रन भी उसमें हो गया है पूरा। कोविड वैक्सीन तो ये सेफ ही है, अगर वैक्सीन लेने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र ये भी हमें यूज़ करना ही है। कोविड वैक्सीन का अगर साइड इफेक्ट होता है, हमारा जो कर्मचारी अपॉइंट किए उसमें वैक्सीनेशन देने के बाद आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और उनको कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं तो हमारे पास EFI किट जो रहता है और उसका यूज़ करने के लिए हमारे जो आरोग्यकर्मी हैं उनको हमने ट्रेनिंग दिया है, और उसके लिए अगर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ी तो वो हॉस्पिटल में हमने आइडेंटिफाई किया है।